Hello everyone, welcome to Fame World Educational Hub. Myself Aishwarya Saxena, and today in the series of C language theory videos with the topic structures, this is the third video. I have already uploaded two videos in the series. First video mein hum logon ne theoretical concept discuss kiye the aur structure ka syntax dekha tha, aur second video mein hum logon ne ek program discuss kiya tha structures ka. So this was the syntax जो हम लोगों ने first video में देखा था. Structure को declare करने के लिए हम struct keyword का use करते हैं. Struct keyword के साथ tag name में हम जिस नाम का structure बनाना है tag name देते हैं. Braces से start होता है, braces पे ख़त्म होता है structure. और structure का use हम लोग different data type elements को represent करने के लिए करते हैं. So इसके बाद हम लोगों ने एक example देखा था, एक student का structure बनाया था. This was the code. I hope आपने इसको try किया होगा और आपको ये concept समझ में आया होगा. Last video आप देख सकते हैं, previous lecture, उसमें इसको हमने elaborate किया है detail में. So आइए आज start करते हैं array of structures के साथ. As you can see, this is the basic structure example. हमें कभी structures बनाने होते हैं तो हम इसी तरीके से बनाते हैं. But अब हम बात करेंगे array of structures की. So today I am going to illustrate an example of array of structures. यहाँ पर हम लोग student का एक structure बनाएंगे, but we will see the concept of array of structures. Array of structure और normal structures में ये difference होता है कि यहाँ पर हम एक ही student का data लेते थे जब हम एक simple structure बनाते थे, but जब हम array of structure बनाएंगे तो हम एक स्ट्रक्चर एरे लेंगे, स्ट्रक्चर टाइप एरे लेंगे. तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को. हैश इंक्लूड *0.h, हैश इंक्लूड *conio.h, हैश इंक्लूड *string.h, बिकॉज वी विल यूज एरे ऑफ कैरेक्टर्स. सो हमने हैश स्ट्रिंग ले लिया है. अब हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने जा रहे हैं, डिक्लेयर करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर. स्ट्रक्ट स्टूडेंट का स्ट्रक्चर हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसमें कि सिंपली हमने एक रोल नंबर ले लिया है इंटीजर टाइप, एक नेम ले लिया है से 20 कैरेक्टर्स की एक एरे, और यहाँ पर हमने इसको एस वेरिएबल से टर्मिनेट किया है. यहाँ पर एस वेरिएबल लिया है जिसको हम यूज़ करेंगे इस स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए. क्योंकि हम लोग एरे ऑफ स्ट्रक्चर ले रहे हैं, तो अब मैंने यहाँ पर इसको एस ऑफ 5 से टर्मिनेट किया है. तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम एक स्टूडेंट के नहीं, यही सेम रिकॉर्ड्स 5 स्टूडेंट्स के स्कैन कराएंगे. तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये काम. सो हम अपने मेन फंक्शंस पे आते हैं. वॉइड मेन, मेन फंक्शन हमने इतना स्टार्ट किया. एक इंटीजर लिया है आई, और इस इंटीजर के थ्रू हम लूप चलाएंगे अपना. CLR SCR हमारा क्लियर स्क्रीन फंक्शन. यहां पर हम एक मैसेज दे सकते हैं. हमने सपोज मैसेज दिया एंटर डिटेल्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा एक 5 स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर था, तो हमें पता चलना चाहिए कि हमें जो इनपुट कर रहा है यूज़र, तो उसको पता चल जाएगा कि उसे 5 स्टूडेंट्स की डिटेल्स को इनपुट कराना है. यहाँ पर हमने लूप लगाया है फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और इसके बाद अब जो भी काम होगा वो 5 स्टूडेंट्स की डिटेल्स को स्कैन करने के लिए होगा. तो अब हमें 5 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्कैन कराना होगा और 5 स्टूडेंट के नहीं. तो यहां हमने एक मैसेज दिया प्रिंट एफ एंटर रोल नंबर. और क्योंकि हमें रोल नंबर स्कैन कराना है जो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर है, और स्ट्रक्चर हमने एस से टर्मिनेट किया है, तो हमने स्कैन एफ मोटी % s of i, क्योंकि हमने i का लूप चलाया है यहाँ पर, तो s of i मतलब 5 बार ये लूप चलेगा, तो 5 रोल नंबर इनपुट होंगे. s of i डॉट रोल, क्योंकि रोल नंबर जो है वो रोल वेरिएबल से डिनोट हो रहा है.
सो आई होप आपको ये विजिबल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर है, स्ट्रक्चर एस ऑफ 5 से टर्मिनेटेड है। हमने यहाँ पर 5 का जो लूप चलाया है 5 एलिमेंट्स के लिए वो आई से चलाया है, और रोल नंबर हमने एस ऑफ आई मतलब 5 बार ये लूप चलेगा तो एंटर रोल नंबर 5 बार लिख कर आएगा, और डॉट रोल की वजह से जो रोल नंबर है वो 5 बार इनपुट होगा। आगे देखते हैं, ये लूप की वजह से सब कुछ 5 बार होगा सारा काम। फिर हमने एक मैसेज दिया प्रिंट एफ एंटर नेम, और अब सिंपली हम स्कैन करा सकते हैं स्कैन एफ मॉड एस, क्योंकि हम एरे ऑफ कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो हमने मॉड एस लिया है, और एस ऑफ आई डॉट नेम, यहाँ एम्परसेंड नहीं लगेगा क्योंकि हमने मॉड एस लिया है। ये तो स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट है तो इसको मैं ज़्यादा इलाबोरेट नहीं कर रही, बट हाँ प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज, यहाँ हमने एम्परसेंड इसलिए नहीं लगाया है स्कैनिंग में क्योंकि मॉड एस लिया है और कैरेक्टर एरे को हम स्कैन करा रहे हैं। अब इन सबको डेटा को हमने स्कैन करा लिया है, दोनों तरीके के डेटा को हमने स्ट्रक्चर जो लिया था उसमें रोल नंबर और नेम था, और रोल नंबर और नेम दोनों ही चीज़ें स्कैन हो चुकी हैं 5 स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे, तो सिंपली लूप चलाएंगे हम फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और इसके बाद हमने प्रिंट एफ नेम इक्वल्स टू मॉड एस परसेंटाइल एस एस ऑफ आई डॉट नेम। सिमिलरली रोल नंबर के लिए भी प्रिंट एफ रोल नंबर मॉड डी एस ऑफ आई डॉट रोल। लूप बंद होगा हमारा गेट सी एच। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स देखा, एरे ऑफ स्ट्रक्चर में हम एक स्ट्रक्चर नहीं लेते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर में हम एक स्टूडेंट के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, यहाँ पर सभी चीज़ें स्कैन होंगी 5 स्टूडेंट्स के लिए, सारे डिटेल 5 स्टूडेंट्स के लिए हम स्कैन कर रहे हैं क्योंकि हमने 5 की एरे ली हुई है। यहाँ हम अगर 10, 20, n ले लेते हैं, नंबर ऑफ n की इस वैल्यू हम बाद में स्कैन करा के n ले लेते तो जितने चाहते हैं उतने रिकॉर्ड स्कैन करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने सीखे नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। फेमवर्ड एजुकेशनल हब पर आपको सी लैंग्वेज के अलावा C++, जावा, कोर, एडवांस जावा, स्विंग्स की सीरीज़, एंड्रॉयड की सीरीज़ और PHP.NET, बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स की सीरीज़ मिलेंगी, आप उन्हें ज़रूर देखें। और लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट योर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेस्टेड एरे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. You can also find many other courses on FameWorld Educational Hub. So the courses on C language, C++ language, Java, Java Swing, Advanced Java, CCC, UML, DBMS and Advanced DBMS, Web Designing, PHP, .NET, Android Operating System, JavaScript with Node.js, Intermediate Mathematics Series, Inorganic Chemistry and many other courses are available on FameWorld Educational Hub. So don't forget to check the playlist section because different playlists on different courses are available there. Positively check the playlist section. You can also find FameWorld Educational Hub on Facebook and Instagram. You can follow us by the name FameWorld Educational Hub on Facebook and Instagram. Thanks for watching. Please like the video. Comment your queries and suggestions in the comment box. Share the video with your friends and don't forget to subscribe the channel and press the notification bell, because after pressing the notification bell, you will start getting some notification of our latest uploads. Also check the description box for FameWorld Educational Hub WhatsApp group link, because the description box contains the WhatsApp group link of FameWorld Educational Hub and you are invited to join the group. Must join. Thanks for watching. Stay tuned. See you in the next video.